पता है वो बंदा कैसा था, मेरे को मारता पीटता सब कुछ करता था। बॉयफ्रेंड मारता था तुम्हें? हाँ। ये पैसे हैं, रख लो यार, रख लो। हाँ तो दोस्तों, मैं उकरण तुम्हारा भैजी और वापस आ गया एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के रिएक्शन आपको वीडियो देखकर ही पता लगेगा, और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। एक मैसेज मिला आज की वीडियो से हमें, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। एक्सक्यूज मी, हाय। हाथ तो मिला लो यार, धो के आया हो लाइफ बॉय से। क्यों बोलो, हाथ क्यों नहीं मिला रहे? कांटे भी नहीं लगे यार। मूड ऑफ है। मूड ऑफ है आपका? यार मैं आपको वहां से देख रहा था यार, इतने सुंदर लग रहे हो। ऐसी लड़की का मूड ऑफ तो अच्छा ही नहीं लगता। आपको काम क्या है? स्माइलिंग फेस होना चाहिए ना आपका। तो आपको काम क्या है? काम क्या मतलब, काम से ही आता है क्या इंसान? हाँ, मतलब से ही आता है इंसान कोई। बॉयज तो मतलब से ही आते हैं। बॉयज मतलब से आते हैं और लड़कियां? लड़कियां? लड़कियों को मतलब ही नहीं होता बॉयज से। काफी सैड लग रहे हो, क्या बात है? आप जाओ यार प्लीज, अभी मेरा मूड ऑफ है। क्यों ऑफ है? वही बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा। बॉयफ्रेंड तो होगा, इतने सुंदर लग रहे हो, बॉयफ्रेंड तो ऑब्वियसली बात है होगा ही। सैड होंगे, बॉय ब्रेकअप हुआ होगा या कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तुम्हारा आपस में। यार मैं ना आपको बताना जरूरी है। मेरे को ज़रूरी नहीं समझते? मतलब यार मैं आया, मैं अप्रोच करने आया हूँ किसी चीज़ के लिए, मतलब मुझसे बात नहीं कर सकते आप दो मिनट के लिए? यार मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे, पता है? यार मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये छोटे मोटे किस्से ना होते रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये होते रहते हैं, इनको गोली मारो। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, इनको गोली मारो ठीक है। हम दोनों करते हैं, चलते हैं चिल करने, नाइट आउट करेंगे साथ में, जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे। कार खड़ी है मेरी, पार्क है वहाँ पे, चाबी एरी, हम दोनों चलते हैं साथ में, बाहर रहेंगे। बॉयफ्रेंड छोड़ो ना, देखो यार एक जाता है एक नया आ जाता है, गाड़ी की चाबी एरी, चलते हैं बाहर। बताओ, अरे छोड़ो ना यार बॉयफ्रेंड की, यार बॉयफ्रेंड के लिए रो रहे हो यार। मतलब यार जितना पैसा उसके पास नहीं होगा ना, उससे डबल तो मेरे पास है यार, क्या यार करना है? वो बंदा मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर गया, मेरा बॉयफ्रेंड से अभी मेरा रीसेंट ब्रेकअप हुआ है। मेरी बात सुनो, तुम समझ, मेरी बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ। देखो यार जब लड़ाई होती है ना, मैं समझ रहा हूँ आजकल की लड़की क्या है, छोटा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, नहीं यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये वाली बात हो जाती है। यार लड़ाई वाली बात नहीं है ना, वो बंदा मेरा सब कुछ लेकर चला गया। तो रो क्यों रहे हो? सुनो, रो क्यों रहे हो? ओ हेलो यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस टाइम पे ना बहुत मेरा मूड, की जिंदगी खराब हो चुकी है। रो तो मत, चुप तो हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मैंने उसको अपना सब कुछ दिया, मतलब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मेरे को बॉयफ्रेंड बना लो यार, किस चीज की कमी है? पैसा है, सब कुछ है, किस चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वो भी यही तो बोल रहा था मेरे से कि मेरे पास पैसा है, ये है वो है, लेकिन निकला वो कंगला और सब कुछ मेरा लेकर चला गया यार। तो रो क्यों रहे हो? रोने वाली बात क्या है इसमें? रोने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, मेरा एटीएम कार्ड, मेरा एटीएम का पिन, मेरा सब कुछ लेकर चला गया। वो उसके पास मेरा एटीएम का पिन था, उसमें से पैसे निकाल लिए उसने सारे, मैं क्या करूँ? बॉयफ्रेंड ने? बॉयफ्रेंड ने मेरे। सच में बोल रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूँ यार। मैं परेशान कर रहा हूँ इस वजह से? नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँ अपनी कहानी। सब लड़के आगे यही बोलते हैं, बेबी जाने सोना, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं सब कुछ लेकर। ऐसा नहीं होता ना, हर बार नहीं होता ना। तो रो क्यों रहे हो आप? रो क्यों रहे हो? रोने का रीजन क्या है? मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल हो चुकी है इसीलिए, मतलब उस बंदे ने मेरे को ऐसे यूज किया, उसके बाद मतलब छोड़कर चला गया। क्या करा, ऐसा क्या हो गया तो इतना रो रहे हो? कुछ तो रीजन होगा ना यार, इतना ऐसे रो रहे हो आप तो। कि क्या रीजन ये है कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ फैमिली से, तो मेरे पास इस टाइम अपना रूम रेंट देने के लिए भी मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास पैसे? सब कुछ वो लेकर चला गया मेरा। मतलब वो लेकर चले गया? आपने उसे कुछ दिलाया या लेकर चले गया, क्या है? वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरा एटीएम पिन उसके पास रहता था, मेरा एटीएम उसके पास रहता था, मेरी सब कुछ। मुझे बोलता था कि बेबी मेरे को ना पैसे चाहिए तो मुझे दे दो, मेरे को ना बाहर जाना है। मैंने कहा ठीक है ले लो, तो मैंने उसे अपना एटीएम दे दिया। उसके बाद वो लेकर एटीएम ही लेकर चला गया, उसमें से सारे जो मेरी सेविंग्स थी वो सब कुछ निकाल ली उसने, और अब इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपने मतलब आपने उसको, तो आप यहाँ पे अकेले रहते हो? हाँ। तो रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, दो मिनट चुप तो हो जाओ।
क्या मतलब, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा यार उस लड़के को लेकर, केस वगैरह नहीं करा कुछ? यार नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि यार वो बंदा लाइक मेरे को अभी मिला था, 1 ईयर हुआ था हमारी रिलेशनशिप को, उसके बाद मतलब मैं उस पर ट्रस्ट करती थी यार एकदम अंधा, तो बस अब उसने उसी के चीज़ का फ़ायदा उठाया। अच्छा बुरा मत मानना, एक बात बोलूँ, इतना ट्रस्ट करते क्यों आप लोग? क्योंकि हम लोग ना प्यार करते हैं। प्यार करते हो इसलिए? अब क्या हुआ प्यार का बताओ, हाँ बताओ क्या हुआ प्यार का? यहाँ पे अकेले खड़े होके क्या कर रहे हो, घर पे बैठते हैं यार। यार घर कैसे जाऊँ, क्या मुँह लेकर जाऊँ मैं घर पे? तो यहाँ यहाँ रह के क्या मिलेगा ये बताओ, यहाँ रह के क्या होगा? बस मैंने सोच लिया अब क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा खुद ही कुछ। तो यार कहीं से तो हेल्प मिली होगी, मतलब यार कोई है नहीं ना, तो आप कर दो मेरी हेल्प यार। आप परेशान, आप परेशान क्यों हो रहे हो कि उसने छोड़ दिया इसलिए परेशान हो रहे हो? नहीं मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा है वो मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हें पता है वो बंदा कैसा था, मेरे को मारता पीटता सब कुछ करता था। बॉयफ्रेंड मारता था तुम्हें? हाँ। और तुम झेल रहे थे? झेल ही रहा था यार इतने दिन से, क्योंकि मैं तो प्यार करता था ना उससे, मुझे नहीं पता था कि वो बंदा ऐसा है। मतलब यार ऐसा भी होता है कि मतलब लड़का लड़के लड़की के पैसे ले रहा है, मैं तो ये सोचता था कि लड़के ही खर्चे करते हैं लड़कियों पे। मैं भी यही सोचता था, बट जब मेरा बॉयफ्रेंड बना ना उसके बाद मुझे पता चला रियलिटी क्या है। मतलब वो तुम्हें मारता था, टॉर्चर करता था बहुत ज्यादा यार। मैं तो इस टाइम अभी बस मुझे दुख ये है कि वो मेरी सब सारी सेविंग्स लेकर चला गया बस। तो आप झेल रहे थे इतने टाइम से उसे? हाँ यार। कैसे? हाँ मैं प्यार करता था इसीलिए बस यार। तो यार प्यार होता है, मैं मानता हूँ प्यार होता है, ठीक है। मैं भी आपको अप्रोच करने आया था, मैं ही सोच रहा था कि आप, मैं आपको देख रहा था तो आप सैड ही लग रहे थे, मैंने सोचा मैं चांस मारूं, बट यार आपकी तो कहानी कुछ और चल रही है। मतलब यार वो आपको मारता था, टॉर्चर करता था, ठीक है, तो आप सहन कर रहे थे, आपने किसी को कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपने आवाज़ नहीं उठाई कि यार मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, और आप उसके साथ रह रहे थे रिलेशनशिप में। हाँ यार क्योंकि मैं उस पे ट्रस्ट करता था, वो मुझ पे करता था, मतलब इतना हमारा था कि चलो ये रिलेशनशिप में तो छोटा मोटा झगड़ा तो चलता है कि ठीक है फाइन। यार मतलब आप बोल रहे हो कि आप पे हाथ उठाता तो ये छोटा मोटा झगड़ा है कोई? हाँ यार प्यार में इतना तो चलता है। यार ऐसा क्या प्यार, ऐसा क्या प्यार हो गया, क्या पैसे वाला था क्या बॉयफ्रेंड? हाँ पैसे वाला होगा यार, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बट उसके लिए पैसा सब कुछ था इसलिए वो लेकर चला गया मेरा। आप उसके साथ रह क्यों रहे थे? प्यार था तो आपको कुछ दिखा तो हुआ कभी कि यार वो मेरे साथ गलत कर रहा है या वो बंदा सही नहीं है, तो आप कैसे रह रहे थे उसके साथ? मूव ऑन कर लेते पहले। यार नहीं कर पा रहा, इतना इजी नहीं होता मूव ऑन। यार कोई इंसान तुम्हें मार रहा है तो मूव ऑन नहीं करोगे क्या? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है? तुम्हारी कोई इज्जत है कि नहीं? यार जब इंसान की आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी होती है तो शायद ना उसको दिखता नहीं है वो सब। इस पट्टी को ना कभी कभार खोलना पड़ता है, समझ रहे हो, इस पट्टी को खोलना पड़ता है कभी कभार। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, अच्छा मैं ही बताता हूँ कि अब तुमने तो झेल लिया, चलो मैं तो नहीं झेल सकता। अगर कोई मेरे को टॉर्चर करेगा, चाहे वो मेरा प्यार, अगर वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है यार, चल ठीक, चलो ठीक है, छोटी मोटी बातें हो जाती है, लड़ाई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है हो जाता है, तो यार पर इसमें क्या ऐसा थोड़ी होता है कि कोई हाथ छोड़ेगा, इतना टॉर्चर करेगा, और तुम्हारे पैसे ले रहा है यार, इतना नीचे कौन गिर सकता है, एक बात बताना यार। जिसको गिरना होता है वो तो गिर ही जाता है ना। तो यार वो इतना मतलब इतना नीचे गिर गया कि तुम्हें मार रहा है, तुम पे हाथ छोड़ रहा है, तुम्हारे पैसे ले रहा है, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पैसे लेके चले गया वो। हाँ यार मैं क्या करूँ अब। तो तुमने किसी को बताया अपनी फैमिली में? मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। मतलब यार हद होती है यार, मतलब अब नहीं रह रहा यार, अब वो जा चुका है यार, हद है। तो यार रोने से क्या होगा, मूव ऑन कर लो यार। मैं तो इसलिए आया था, मैंने कहा मैं आपको अप्रोच कर लेता हूँ। देखो एक बात बताओ, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, पैसा है, और आजकल क्या है लड़कियाँ पैसे भी तो मरती है, पैसा है, गाड़ी है, और क्या चाहिए बताओ। हम चलते हैं यार साथ में, चिल करेंगे यार, मूव ऑन कर लिया, छोड़ो हटाओ इस चीज़ को। यार तुम भी वही बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता रही हूँ। यार मेरी बात तो सुनो, परेशानी क्या है, पैसा ही तो परेशानी है, आपको किराया भरना है, सब कुछ करना है, यही तो परेशानी है ना, तो मेरे साथ चल लो और क्या। नहीं यार तुम जाओ, तो मेरे साथ रह लेना।
नहीं तो मेरे साथ रह लेना ना, अब तक भी तो बॉयफ्रेंड के साथ रह रहे थे, मेरे साथ रह लेना। बॉयफ्रेंड क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए यार। तो यार मैं बोलता रहा हूँ, देखो पहले भी तो उसके साथ रह रहे थे, ठीक है, क्या पता मैं उससे अच्छा हूँ। अब मुझे चाहिए ही नहीं ना कोई बॉयफ्रेंड। यार पैसा तो सबको चाहिए ना, पैसा तो सबको चाहिए, बताओ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और क्या। आज मतलब तुम भी वही बात बोल रहे हो जो उसने मुझे बोली थी यार, गर्लफ्रेंड बन जाओ फिर तुम भी चले जाओगे। गाड़ी वहां खड़ी है, बताओ अभी चलते हैं। नहीं थैंक यू। तो चाबी रख लो। नहीं थैंक यू। क्यों? नहीं प्लीज जाओ यार तुम। चाबी रख लो यार, अगर कोई लड़का अपनी गाड़ी की चाबी दे रहा है कितनी बड़ी बात है। लड़की को चाहिए क्या? पैसे ही तो चाहिए। लो चाबी ले लो यार। यार नहीं चाहिए यार, मैं पहले से बहुत परेशान हूं उस टाइम। तो यार मैं हूँ ना परेशानी दूर करने के लिए, नया बॉयफ्रेंड आ गया। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, किसी को पैसे की ही जरूरत नहीं होती है। इस टाइम मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है और मैं घर भी नहीं जा सकता अपने इस टाइम पर। तो क्या हो गया यार, चाबी ए रही है यार। अभी प्लीज तुम जाओ यहाँ से यार, अभी ले लो यार। यार थैंक यू, प्लीज जाओ यहाँ से यार। अरे ले लो यार, सुनो ले लो ना, ले लो यार, क्या दिक्कत है, परेशान क्यों हो रहे, बॉयफ्रेंड नया आ जाएगा। यार नहीं मुझको नहीं चाहिए ना बॉयफ्रेंड इस टाइम पर। कल तो हर लड़की को पैसा चाहिए यार। मुझे नहीं चाहिए ना पैसा, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ पैसों के लिए आती है। अगर मुझे यहाँ पे मैं खड़ी तो सिर्फ मैं परेशान हूँ। तो इसका मतलब बॉयफ्रेंड के लिए रो रहे हो कि ब्रेकअप हो गया? नहीं। फिर मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे अपने रूम का रेंट देना यार, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा इस टाइम पे। तो रो के रेंट भर जाएगा, पैसे वाले लड़के पे जाओ और क्या, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको देख रहा था, मेरे को लग ही रहा था कोई प्रॉब्लम होगी, पैसा है सब कुछ है, क्या दिक्कत ही क्या है फिर। तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। या मुझे नहीं बनना, अप्रोच कर रहा हूँ सामने से, कोई पैसे वाला लड़का अप्रोच कर रहा है आपको। यार मतलब यार की कमी क्या है, एक बात बताओ ना, पैसा है सब कुछ है, कोई पैसे वाला अप्रोच कर रहा है तो आप कैसे मना कर रहे हो? तो आज के टाइम में तो पैसा ही सब कुछ है यार, जिसके पास पैसा है उसके पास लड़की है। लड़कियां भी तो पैसे के पीछे भागती है, चॉइस आपकी है। गाड़ी ए रही आपके सामने, पैसा तो है ही, एटीएम कार्ड ए रहे दोनों, जितने निकालने होंगे निकाल लेना। बताओ कितना चाहिए, कमी थोड़ी है, लड़की को चाहिए ही क्या, ये दोनों दो चीजें होनी चाहिए बस लड़की के पास, लड़की को और क्या चाहिए बताओ। बन जाओ गर्लफ्रेंड और क्या है, प्रपोज कर देता हूँ मैं, गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। चाबी एरी यहाँ पे हाथ रखो और चाबी उठा लो। यार तुम्हें मना कर दे एक बार, समझ नहीं आता क्या? ये रहा देखो हाथ, ये रहा यहाँ पे हाथ रखो और ये चाबी उठा लो। थैंक यू। तब रो क्यों रहे हो यार? अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो यार प्लीज, मेरी बात तो सुनो यार, मुझे नहीं सुनना अभी कुछ, प्लीज नहीं कर रहा, सुनो मेरी बात, सुनो अच्छा मेरी बात सुनो। इसलिए रो रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, हम आप इसलिए रो रहे हो आपके पास पैसे नहीं है रेंट पे करने, बोलो तो सही यार। यार नहीं, समझ सकता हूँ इस टाइम पे कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी, ना कोई कर रहा होगा, यही होगा एग्जैक्ट, क्योंकि देखो होता ही है ना कि खुशी में हर कोई आता है हाथ पकड़ने तुम्हारा, यही होता है, दुख में कोई साथ नहीं होता। कितने पैसे चाहिए? देखो मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं, जितने मैं दे सकता हूँ उतने बता देता हूँ। ₹10,000 अगर आपका कुछ होगा तो। यार नहीं मेरे को नहीं चाहिए, प्लीज नहीं चाहिए। मैं गर्लफ्रेंड बनने को नहीं बोल रहा यार, नहीं है यार, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत ही नहीं है ना। गर्लफ्रेंड बनने को नहीं बोल रहा, सुनो तो। नहीं प्लीज थैंक यू, नहीं चाहिए। यार मैं उस बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ, रख लो यार। यार नहीं चाहिए ना, रख लो यार, नहीं चाहिए प्लीज। 10,000 यार देखो मेरे पास जितने थे मैं तो उतने दे सकता हूँ ना, रख लो ₹10,000। मैं समझ सकता हूँ आपको ज़्यादा की नीड होगी,
मेरे पास देखो जितने मैं उतने, मैं तो उतने की हेल्प कर रहा हूँ ना। रख लो यार 10,000। मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि मैं नहीं बोल रहा मत चलो मेरी गाड़ी में, मत चलो, इन पैसों को रखो और सीधा घर जाओ, और जिसको पैसे देने उसको दो और अपने घर जाओ, अपनी मम्मी पापा के पास। आप सुनो मेरी बात, सुनो, रो मत। अच्छा दोस्त समझ लो या कुछ कह लो, या कुछ भी कह लो, आप मेरे को जो कह सकते हो वो कह लो, ठीक है। ये पैसे हैं, रख लो यार, रख लो। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो, मुझे भाई समझ लो अपना, अब तो इतना तो समझ सकते हो, मैं भाई बोल रहा हूँ। अगर कोई मेरे मन में कोई गलत विचार होते या गलत मैं कुछ आपके बारे में सोच रहा होता तो अलग बात होती, मैं आपको भाई बोल रहा हूँ। ये पैसे रख लो, अपने घर जाओ, मेरी बात सुनो। आपका नाम क्या है, अब तो नाम बता दो, भाई पूछ रहा है। रो मत, पहले स्माइल करो यार, सुनो तो, रो मत, नाम तो बताओ। तुम्हारा भाई, अपने भाई का नाम तो पूछे ही, मेरा नाम करण है, ठीक है। और जो आपने बताया ना, मतलब कि यार कि लड़के ने ऐसा करा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, बहन बोला है तो, ठीक है। हम एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो शूट कर रहे थे, मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो हम थे आज गोल्डीगर की तलाश में, पर आपने प्रूव कर दिया कि हर लड़की गोल्डीगर नहीं। तो वहाँ कैमरा चल रहा है, प्लीज़ सॉरी। और हाँ पहले बता दूँ, आप पहले से परेशान हो उसलिए मैं आपको पहले बता दूँ, हम आपका फेस नहीं दिखाएंगे। सुन तो लो मेरी बात, सुन लो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, भाई प्रॉमिस कर रहा है। बट जो आपके साथ हुआ है ना, ये लोगों को जानना ना बहुत ज़रूरी है, जो आपके साथ हुआ है। देखो कि कोई लड़की, आप भी चाहते हो कि कोई लड़की है तो दोबारा ऐसी चीज़ में ना फंसे, कि जो आपके साथ हुआ है, मतलब यार एक आवाज़ उठानी चाहिए। और आपने ये भी प्रूव कर दिया कि यार हर लड़की गोल्डी करनी होती है, मतलब मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, अगर मैं चलते हुए भी किसी लड़की को दे दूँ ना 10,000, शायद वो मुझे किस करने के लिए भी तैयार हो। आपने प्रूव कर दिया कि हर लड़की गोल्डी करनी होती, और वो लड़का यार, मतलब अगर मैं एक बात कहूँगा, वैसे मैं आपका प्रॉपरली मैं आपका फेस ब्लर करूँगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लड़का कुछ ना कहे यार, या आपके रिलेटिव कोई हो उनको ना पता लगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं आपसे अभी चैनल सब्सक्राइब करवा लूँगा अपना, तो आप देख सकते हो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आपका फेस प्रॉपर ब्लर होगा, बट एक मैसेज होगा यार कि मतलब यार आपके साथ इतना कुछ हो रहा था, कैसे झेल रहे थे इतने दिन से, मतलब ट्रस्ट प्यार होता है, ठीक है, इतना इतना क्या झेल रहे थे यार इतने दिन से। यार बस क्या बताऊँ मैं तुम्हें, देखो लिमिट तक होती है ना हर चीज़ें। बस देखो मैं यही कहूँगा कि यार जो उसने करा है ना वो बहुत गलत करा है, ठीक है। मतलब यार मार रहा है, लड़की के पैसे ले रहा है यार, मतलब यार मैं तो उसे ये समझ लो कि मैं उसे लड़का बोलता ही नहीं, कुछ और ही होगा वो मेरी भाषा में तो। अगर वो इस वीडियो को देख रहा है ना, ठीक है, तो भाई तू समझ ले, साले तू लुगाई है, बस ये बोल रहा हूँ, कैमरे पे देख के बोल रहा हूँ, भाई तू लुगाई है, तू तो इस लड़की के साथ ऐसा कर रहा था, तेरे घर में भी शायद माँ बहन होगी तेरी, ठीक है। तो भाई अगर तू इसको देख रहा है ना, तू नाम से तो पहचान ही जाएगा, फेस तो मैं ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि लड़की की कुछ सिक्योरिटी है कि मतलब यार कि मैं उसकी प्राइवेसी है कि मैं तुम लोगों तक नहीं बता सकता कि कौन लड़की है, ताकि 10 लड़के इससे पूछे कि यार हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो इसलिए मैं इस प्राइवेसी को नहीं, प्राइवेसी रहने दूंगा, फेस ब्लर होगा पूरा। बट यार ये जो लड़के ने करा है ना, मतलब यार मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो गलत है, फल मिल जाएगा उसे, देखो तुम जैसा कर रहे हो ना वैसा तुम भुगतोगे भी, ठीक है। तो यार इतना कुछ हुआ है दोस्तों की यार, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है। और यार एक मैसेज दूंगा कि यार हर लड़की गोल्डीगर नहीं होती, जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कुछ भाई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, वो गोल्डीगर इसलिए बनाया गया था ना दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा थोड़ी देर मैंने बात की थी उस लड़की से और वो एकदम से पैसों के लालच में आ गई थी, आपने देखा होगा जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी गोल्डीगर, तो इसलिए गोल्डीगर। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे मुँह से कुछ अपशब्द निकल गए थे, कुछ गलत मैंने बोल दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, और दिल से रिस्पेक्ट है सबको और मेरी बहन जैसी लड़कियों को, कि हर लड़की गोल्डीगर नहीं है भैया, सबकी मजबूरी है, ठीक है, कुछ ना कुछ मजबूरी है। और ऐसे लड़के भाई अगर तुम पैदा हो रहे हो ना, सालो दीपक कलाल के पास जाओ तुम, समझ रहे हो, दीपक कलाल को ज्वाइन कर लो अगर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो। यार रियली सॉरी,
और आप मेरा नंबर ले सकते हो, मेरा इंस्टा कुछ भी, और आपको इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप भाई को याद कर सकते हो, आप मेरे को सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम तो मैं कम चलाता हूँ, इतना अपडेट नहीं रहता, आप मेरा नंबर ले सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, हमारा भाई है, ठीक है। एक छोटा सा मैसेज है हमारी, मतलब कि जितने भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं कि यार गलत हुआ है जो भी हुआ है, और मैंने हेल्प की है यार, ठीक है, कुछ सामान के लिए बैठते हैं, बट डोंट वरी यार, अगर मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ तो आगे बहुत कुछ है। बाकी यार ऐसा होना नहीं चाहिए था, मतलब जो भी हुआ अब देखो मेरी बात सुनो, अब सीधा घर जाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप मुझसे बीच में भी हेल्प मांगते हो तो आई एम रेडी, जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, ठीक है, तो आप उससे बोल सकते हो। बाकी मैं आपको ऑटो तक ड्रॉप कर देता हूँ, सीधा घर जाओ, रोने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू क्यों बोल रहे हो भाई को, भाई बोल दिया मैंने, आप थैंक यू बोल रहे हो, पर ठीक है ना, आपके उससे दो मैसेज हो गए। मैंने आपको बीच में बोला ना कि जब मैंने आपको अप्रोच करा कसम से, तो मैं यही सोच रहा था, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि यार कि वैसे आपने मुझे बोला कि यार आप मेरी मदद कर दो, इस वजह से मुझे लग रहा था। बट जब आपने मेरे को अपनी पूरी बात बताई तब मैं बिलीव कर सकता हूँ, यार आप रो रहे हो, इतना भी कोई नहीं गिर सकता कि यार रो रहा है कोई। और सॉरी यार, कैमरा लगा था, मैं आपके पास आया, मैंने आपका टाइम वेस्ट करा, सॉरी। आ जाओ, आपको घर चलते हैं, घर जाओ आराम से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लिख लिया नंबर मेरा, कोई भी ज़रूरत होगी अपने भाई को याद कर लेना, और सीधा ऑटो मैं आपको ड्रॉप करता हूँ ऑटो तक, और जाओ घर पे, मम्मी पापा के पास जाओ सीधा, रेंट पे करो जो भी करना है, स्टडी का जो भी है करो, पर ऐसे यार बाहर रह के कोई फायदा नहीं, और किसी पे ट्रस्ट मत करा करो इतना, ओके। हाँ तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों क्या करना है, अपने भाई की वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैसेज पहुंचना चाहिए उस इंसान तक जिसने ये हरकत की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना मत। आता है तुम्हारा भैजी नेक्स्ट वीडियो में।